हम कलेक्ट्रेट के लिए सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव नामांकन के लिए अंदर जा चुके हैं और बाहर जब निकलेंगे अखिलेश तो बात करने की कोशिश करेंगे हम उनसे और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको पल पल का अपडेट। यार जोर मत लगाइए, आओ जाइए आराम से आ रहे हैं। आगे हटो, आगे हटो, अबे देखो यार, अपनी भाई कैमरा हटाने अपनी भाई रुक जाओ, वही हमें आज जब नॉमिनेशन किया। अरे यार रुको यार, दूसरे चरण की पब्लिक कैमरा सही कर लो, हुए हैं आजमगढ़ से जी विकास कार्य, एक कैमरा नीचे करो यार, यानी का काम करूंगा और वही जो आजमगढ़ को, अरे कैमरा हटा यार, दिल्ली के रास्ते पब्लिक पूर्वांचल की जनता को कैसे अब रुक जाओ यार, दूसरे चरण के लिए रास्ता निकालेंगे। मुझे याद है सरकार का जब आखिरी बजट था तो पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी सड़क समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम किया था और विधानसभा के सामने मैंने शिलान्यास किया था, यहाँ पूर्वांचल के सभी नेता कैमरा नीचे करवा के देखो यार मेरे तक आ जाए और विकास आजमगढ़ और पूर्वांचल के आखिरी कोने तक पहुँचे, इसलिए देश की सबसे बीजेपी के लोगों ने उसका नाम बदल दिया, बीजेपी के लोगों ने एक्सप्रेस वे भैया आगे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं होगा, केवल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कम से कम अरे मोबाइल क्यों बनने जा रहा है, ये जनता पर तय है, जनता को मतदान करना है और हमें खुशी है इस बात की कि जनता ने समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के प्रति मन बनाया हुआ है। महागठबंधन है आदरणीय मायावती जीशी का, समाजवादी पार्टी का, आरएलडी का, ये गठबंधन है। ये पहले चरण से ही गठबंधन में वोटों की बारिश हुई है। हमारे साथ आदरणीय सतीश मिश्रा जी हैं और जो बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। अब चुनाव क्या है, अब ये केवल है कि लोगों को मना लें, अपनी बात समझा दें। लोग बीजेपी के लोग कुछ भी कहेंगे भाई, मेरा भी नहीं आ रहा, बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं। हमें उम्मीद है आजमगढ़ की जनता पर, भरोसा है आजमगढ़ की जनता पर कि जो महागठबंधन है साइकिल, अब किसी को उससे शिकायत नहीं होगी, साइकिल से किसी को शिकायत नहीं होगी। दूसरे चरण में भी पहले चरण जैसी जीत होगी। अखिलेश जी सर इधर साहब, अखिलेश जी नहीं रहूंगा, हाथी का तो हमें स्वीकार है। अखिलेश जी अखिलेश जी रहूंगा, आप उम्मीद कर रहे हैं जीतेंगे, सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा गठबंधन जिसमें सपा बसपा और आरएलडी है, ऐतिहासिक सीटें होंगी। अब तो सर जो गुप्त सर्वे वो भी आपको 70+ सीट दे रहे हैं, क्या कहना है? गुप्त सर्वे खुल के सर्वे होगा और खुल के लोग बोलेंगे। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। भैया अब वहाँ हो गया, नहीं नहीं वहाँ पर